नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरजीत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नो अरजीत। दोस्तों, अगर आप 20,000 से 30,000 रुपए के बजट के अंदर एक नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और आप कोई दूसरे ब्रांड की जगह सिर्फ सैमसंग का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 5 सैमसंग के स्मार्टफोन्स के बारे में, यानी सैमसंग के पास सबसे बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में जो आप 30,000 रुपए के बजट के अंदर मार्च 2021 में खरीद सकते हैं। और दोस्तों, स्मार्टफोन्स के फीचर्स में आपको सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, 7nm प्रोसेसर एंड 7000mAh की पावरफुल बैटरी भी देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पांच नंबर पर है सैमसंग गैलेक्सी M31S, जो दोस्तों सैमसंग के स्मार्टफोन में बेस्ट ऑप्शन है 20,000 रुपए के बजट के अंदर। और इसमें आपको दो वेरियंट्स मिलते हैं, 6GB+128GB एंड 8GB+128GB। साथ में दोस्तों, स्मार्टफोन में आपको पावरफुल बैटरी के साथ साथ एक अच्छा डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। बात करें डिस्प्ले की तो इसमें 6.5 इंच का सुपर एमोलेड 5-inch डिस्प्ले मिलता है फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में, जिसमें आपको कोनिंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। और स्मार्टफोन में एक्सपेंडेबल मेमोरी है अप टू 512GB। इसके बाद इसमें आपको सैमसंग जाइनोस 9 ऑक्टा 9611 प्रोसेसर दिया गया है, जो दोस्तों सैमसंग का खुद का प्रोसेसर है। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में सैमसंग वन यूआई बेस्ड ऑन एंड्रॉइड वर्जन 10Q। कैमरे की बात करें तो इसमें आपको पीछे तरफ क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का मिलता है वाइड एंगल प्राइमरी लेंस, साथ में 12 मेगापिक्सल का है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का है मैक्रो लेंस एंड 5 मेगापिक्सल का मिलता है डेप्थ सेंसर। और सामने की तरफ मिलता है 32 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी कैमरा। और दोस्तों, स्मार्टफोन के रियर एंड फ्रंट दोनों कैमरे से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी 30fps पर। बात करें बैटरी की तो इसमें आपको 6000mAh की एक पावरफुल बैटरी मिलती है, साथ में इसमें 25 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। और स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कंपास एंड जायरोस्कोप सेंसर्स भी देखने को मिलते हैं। बाकी कनेक्टिविटी फीचर्स में डुअल सिम, 4G वोल्टी, वाईफाई एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.0 जैसे और भी कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं। एंड दोस्तों, इसका 6GB+128GB वेरिएंट का प्राइस 18,499 रुपये, 8GB+128GB वेरिएंट का प्राइस है 20,499 रुपये। और दोस्तों, लेटेस्ट ऑनलाइन डील्स, ऑफर्स एंड टेक रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। दोस्तों, 4 नंबर पर है सैमसंग गैलेक्सी A32 4G, जो इंडिया में लॉन्च हुआ था 3rd मार्च 2021 को। और स्मार्टफोन को भी आप देख सकते हैं अगर आप नॉर्मल यूज के लिए एक अच्छा फोन खरीदना चाहते हैं। अब दोस्तों, बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें डिस्प्ले मिलता है 6.4 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले, जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ साथ कोनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। रैम मिलता है 6GB इंटरनल स्टोरेज है 128GB एंड साथ में एक्सपेंडेबल मेमोरी है अप टू 1TB। इसके बाद बात करें प्रोसेसर की तो इसमें मीडियाटेक का हेलियो G80 चिपसेट दिया गया है, जो दोस्तों 10,000 से 12,000 रुपये के फोन में भी देखने को मिल जाती है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है सैमसंग वन यूआई बेस्ड ऑन लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन 11। अब कैमरे की बात करें तो इसमें अभी आपको पीछे की तरफ 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का है वाइड एंगल प्राइमरी लेंस, साथ में 8 मेगापिक्सल का है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का है डेप्थ सेंसर एंड 5 मेगापिक्सल का मिलता है मैक्रो लेंस। और इससे आप 4K क्वालिटी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ में आपको 20 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। इसके बाद इसमें आपको 5000mAh की पावरफुल बैटरी मिलती है, साथ में 15 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। और स्मार्टफोन में आपको ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर एंड जायरोस्कोप सेंसर भी मिलते हैं। बाकी नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी फीचर्स में डुअल सिम, 4G वोल्टी, वाईफाई, NFC और ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ साथ और भी फीचर्स मिलते हैं। और दोस्तों, इसका प्राइस है 21,999 रुपये। और दोस्तों, सारे प्रोडक्ट्स के साथ और भी प्रोडक्ट्स के बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, 3 नंबर पर है सैमसंग गैलेक्सी M51, जो दोस्तों लॉन्च हुआ था 18 सितंबर 2020 को। और इसमें आपको दो वेरियंट्स मिलते हैं, 8GB+128GB एंड 6GB+128GB। तो दोस्तों, अगर आप सभी फीचर्स के साथ एक पावरफुल बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आप इस स्मार्टफोन को जरूर देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों स्मार्टफोन में 7000mAh की बहुत ही पावरफुल बैटरी मिलती है, जो दोस्तों इंडिया में पहली बार इस स्मार्टफोन पर ही दिया गया था। और साथ में इसमें 25 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। बात करें इसके बाकी फीचर्स की तो इसमें आपको 6.7 इंच का सुपर एमोलेड प्लस 5-inch डिस्प्ले मिलता है फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में, जिसमें आपको कोनिंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। और स्मार्टफोन में एक्सपेंडेबल मेमोरी है अप टू 512GB। बात करें प्रोसेसर की तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर दिया गया है, जो दोस्तों एक 8nm पावर एफिशिएंट चिपसेट है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है सैमसंग वन यूआई बेस्ड ऑन एंड्रॉइड वर्जन 10Q। कैमरे की बात करें तो इसमें पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का है वाइड एंगल प्राइमरी लेंस, साथ में 12 मेगापिक्सल का है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का है मैक्रो लेंस एंड 5 मेगापिक्सल का मिलता है डेप्थ सेंसर। इसके साथ साथ इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी कैमरा मिलता है। और स्मार्टफोन से आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी 30fps पर। साथ में दोस्तों, स्मार्टफोन में भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर एंड कंपास एंड जायरोस्कोप सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी कनेक्टिविटी फीचर्स में डुअल सिम, 4G वोल्टी, वाईफाई, NFC और ब्लूटूथ वर्जन 5.0 जैसे और भी फीचर्स मिलते हैं।
एंड दोस्तों स्मार्टफोन का 6GB प्लस 128GB वेरिएंट का प्राइस है 22,999 रुपये एंड 8GB प्लस 128GB वेरिएंट का प्राइस है 24,999 रुपये। दोस्तों दो नंबर पर है सैमसंग गैलेक्सी A52 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था 19 मार्च 2021 को। लेकिन दोस्तों इसके फीचर्स के हिसाब से इसका प्राइसिंग मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, फिर भी स्मार्टफोन में आपको IP67 की रेटिंग देखने को मिल जाती है जो दोस्तों स्मार्टफोन का एक काफ़ी अच्छा फीचर है। अब बात करें इसके बाकी फीचर्स की तो इसमें डिस्प्ले दिया गया 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले एंड साथ में 90Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। रैम मिलता है 6GB और 8GB इंटरनल स्टोरेज है 128GB एंड साथ में एक्सपेंडेबल मेमोरी है अप टू 1TB। इसके बाद बात करें प्रोसेसर की तो इसमें स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट दिया गया है जो दोस्तों आपको बजट फोन्स में भी देखने को मिल जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में सैमसंग वन UI बेस्ड ऑन लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन 11। अब इसके कैमरे की बात करें तो इसमें आपको पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें 64 मेगापिक्सल का मिलता है वाइड एंगल प्राइमरी लेंस, इसके साथ 12 मेगापिक्सल का है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का है डेप्थ सेंसर और 5 मेगापिक्सल का मिलता है मैक्रो लेंस और इससे आप 4K क्वालिटी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पर। साथ में आपको 32 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेल्फी कैमरा भी दिया गया है और इससे भी आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, साथ में 25 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है और स्मार्टफोन में ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर एंड जायरोस्कोप सेंसर भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी फीचर्स में आपको हाइब्रिड ड्यूल सिम, 4G वोल्ट, वाईफाई एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ साथ और भी अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते हैं। और दोस्तों इसका 6GB प्लस 128GB वेरिएंट का प्राइस है 26,499 रुपये एंड 8GB प्लस 128GB वेरिएंट का प्राइस है 27,999 रुपये। दोस्तों एक नंबर पर है सैमसंग गैलेक्सी F62 जो इंडिया में लॉन्च हुआ था 16 फरवरी 2021 को, जो दोस्तों इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है 25,000 रुपये के बजट के अंदर, क्योंकि इसमें आपको पावरफुल 7nm प्रोसेसर के साथ साथ बहुत ही पावरफुल बैटरी भी देखने को मिल जाती है। लेकिन इसमें आपको 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट नहीं मिलता है। अब दोस्तों बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें डिस्प्ले दिया गया है 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले, जिसमें नॉर्मल 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ साथ कोनिंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिलता है। रैम में दो ऑप्शन मिलता है 6GB और 8GB, इंटरनल स्टोरेज है 128GB एंड साथ में एक्सपेंडेबल मेमोरी है अप टू 1TB। इसके बाद बात करें प्रोसेसर की तो इसमें फ्लैगशिप 7nm जाइनोस 9825 प्रोसेसर दिया गया है जो दोस्तों एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम है सैमसंग वन UI 3.1 बेस्ड ऑन लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन 11। कैमरे की बात करें तो इसमें भी पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें 64 मेगापिक्सल का है वाइड एंगल प्राइमरी लेंस, साथ में 12 मेगापिक्सल का है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का है डेप्थ सेंसर एंड 5 मेगापिक्सल का मिलता है मैक्रो लेंस और इससे आप 4K क्वालिटी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ में आपको 32 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेल्फी कैमरा भी मिलता है और इससे भी आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें आपको 7000 mAh की बहुत ही पावरफुल बैटरी मिलती है एंड साथ में इसमें 25 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। बाकी स्मार्टफोन के सेंसर में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर एंड जायरोस्कोप सेंसर भी मिलते हैं। कनेक्टिविटी फीचर्स में ड्यूल सिम, 4G वोल्ट, वाईफाई, NFC और ब्लूटूथ 5.0 के साथ साथ और भी फीचर्स मिलते हैं। एंड दोस्तों स्मार्टफोन का 6GB प्लस 128GB वेरिएंट का प्राइस है 23,999 रुपये एंड 8GB प्लस 128GB वेरिएंट का प्राइस है 25,999 रुपये। सो दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, जिसको जरूरत है उसको शेयर भी कर देना और अगर आपको इस वीडियो के बारे में या कुछ भी सजेशन देना हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। एंड और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।